नमस्कार, जय हिंद। घटना चक्र जनरल साइंस की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो में हमने डाइजेशन सिस्टम के बारे में बात किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन्स और न्यूट्रिशन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। मानव शरीर को विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है ताकि शरीर की जो ज़रूरतें हैं, शरीर की जो विभिन्न क्रियाएं हैं, वो ठीक तरीके से संपादित होती रहे। इसमें 7 प्रकार के पोषक पदार्थ प्रमुख हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, जल, खनिज लवण और लास्ट विटामिन्स। कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी देता है, प्रोटीन मसल्स बिल्डिंग में मदद करता है, जल, खनिज लवण और विटामिन्स। विटामिन से आपको एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन ये शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक पदार्थ होता है। और इन चीज़ों को हम किससे प्राप्त करते हैं? सामान्यतः इन्हें हम भोजन से प्राप्त करते हैं। इन पदार्थों में से जल और खनिज, जो जल और खनिज लवण है अर्थात वाटर और मिनरल्स, ये अकार्बनिक पदार्थ हैं। बाकी जो शेष 5 प्रकार के पदार्थ हैं वो कैसे हैं? कार्बनिक पदार्थ हैं। कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये ऊर्जा उत्पादक पदार्थ हैं, अर्थात जब आप रोटी, चावल ये चीज़ें खाते हैं या फिर फैट खाते हैं, जैसे घी है, बटर है, इन चीज़ों को खाते हैं तो इससे आपको एनर्जी मिलती है। और प्रोटीन, जब आप प्रोटीन खाते हैं तो ये मसल्स को बिल्ड करने में मदद करता है, इसीलिए प्रोटीन को क्या कहा जाता है? शरीर का निर्माणात्मक तत्व भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखें तो विटामिन, जल और मिनरल्स, ये उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण व नियमन करते हैं। ये हमारे शरीर में जो भी सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम है, उसको कंट्रोल करने में, रेगुलेट करने में मदद करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को 1:2:1 के अनुपात में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ, C6H12O6, क्या है ये? ग्लूकोज है। तो इसमें रेशियो देखिए, कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का। कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के 12 अणु, ऑक्सीजन के 6 अणु, तो 6 × 6 = 12 और यहाँ पर 6। तो यहाँ पर कार्बन का एक, अगर एक अणु लेंगे तो हाइड्रोजन के कितने अणु लेंगे? 2 और ऑक्सीजन के 1 अणु, तो 1:2:1 का रेशियो हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं के बीच अनुपात कितना होता है? 1:2:1 का अनुपात होता है। ठीक है, अब बात करें विटामिन्स के बारे में। तो पहली बार विटामिन्स की अवधारणा किसने दिया था? कैसिमर फंक ने। आप याद रखिएगा, ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? पोलैंड के। और कब इन्होंने विटामिन्स की बात की थी? 1912 में किया था। अब तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन्स की जानकारी हो चुकी है, जिसकी 2 श्रेणियों में हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। कुछ ऐसे विटामिन्स होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, और कुछ ऐसे विटामिन्स होते हैं जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जो जल में घुलनशील होते हैं वो फैट में घुलनशील नहीं होते, और जो जल में अघुलनशील होते हैं वो फैट में घुलनशील होते हैं। तो एक याद रखेंगे तो आपको चारों याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपने याद कर लिया कि जल में जो घुलनशील विटामिन है वो बी और सी है। अगर जल में घुलनशील बी और सी है तो जल में कौन से विटामिन नहीं घुलेंगे, जो बच गए हैं? ADE के। इसको कीड़ा आप याद कर सकते हैं, KEDA मतलब कीड़ा। कीड़ा क्या होता है? जल में नहीं घुलता। तो जल में अगर कीड़ा नहीं घुलता तो वो कहाँ पर घुलेगा? वो फैट में घुलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, जल में घुलनशील बी और सी है तो जल में कौन नहीं घुलता? कीड़ा नहीं घुलता। अगर जल में बी और सी नहीं घुलता तो ये कहाँ पर घुलेगा? जल में घुलनशील बी और सी है तो ये फैट में नहीं घुलेगा। अर्थात फैट में अघुलनशील विटामिन कौन से हैं? बी और सी। तो फैट में घुलनशील कौन है? कीड़ा। ठीक है, तो बहुत ही आसान हो गया। आप यहाँ पर इसको ऐसे याद रख सकते हैं। विटामिन्स को सहायक आहार कारक भी कहा जाता है, और इस विचार को स्पष्ट करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? गोलैंड हॉपकिंस। इन्होंने क्या कहा था कि जो विटामिन्स होते हैं ये सहायक आहार कारक होते हैं, डाइट में हमारे ये सहायक कारक के रूप में विद्यमान होते हैं। आगे चलें, लैक्टोज। लैक्टोज क्या है? एक प्राकृतिक शर्करा है, नेचुरल शर्करा है। यह एक कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में पाया जाता है, और दूध में मीठापन का कारण क्या होता है? दूध जो मीठा होता है हल्का, उसके पीछे का कारण होता है लैक्टोज नामक शर्करा।
कैसीन, कैसीन क्या है? एक फास्फो प्रोटीन है जो कि दूध में पाई जाती है। और दूध सफ़ेद क्यों होता है? दूध की सफ़ेदी का कारण होता है कैसीन नामक प्रोटीन। गाय का दूध हल्का पीला क्यों होता है? तो गाय का दूध हल्का पीला बीटा कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, एक पिगमेंट होता है बीटा कैरोटीन की वजह से गाय के दूध का रंग जो होता है वो हल्का येलो कलर का होता है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? रेनिन, हमने अपने लास्ट वीडियो में भी देखा था। तो आप मुझे बता सकते हैं कि रेनिन एंजाइम कहाँ पर पाया जाता है? हालांकि यहाँ पर दिया है जठर रस में, गैस्ट्रिक जूस में, जो कि शिशुओं में ही निकलता है, एडल्ट होने पर ये नहीं निकलता। अब यहाँ पर देखें तो ये रेनिन एंजाइम करता क्या है? रेनिन जो केसिन प्रोटीन है, दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है, उसको ठोस एवं घुलनशील कैल्शियम पैरा कैसिनेट में चेंज करके दूध को दही के रूप में जमा देता है। ठीक है, ये रेनिन एंजाइम क्या करता है? दूध को दही के रूप में जमा देता है। दूध की जो केसिन प्रोटीन है उसको किस में चेंज कर देता है? कैल्शियम पैरा कैसिनेट में। क्लियर हो गया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ये क्या करता है? ये दूध को ख़राब भी कर देता है, खट्टा बना देता है, और दूध को दही में जमाने में यही बैक्टीरिया भूमिका निभाता है। ठीक है, दूध से दही, छाछ, पनीर निर्माण का कार्य इन जीवाणुओं के द्वारा ही किया जाता है। क्या नाम है उस बैक्टीरिया का? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, आगे चलें। प्रोटीन, प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन चारों अणु विद्यमान, चारों तत्व विद्यमान होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन चारों तत्वों से मिल करके, तत्वों के अणुओं से मिल करके प्रोटीन का निर्माण होता है। इसमें थोड़ी मात्रा में गंधक और फास्फोरस भी विद्यमान होता है। प्रोटीन का काम क्या होता है? ऊतकों का निर्माण करना, उनकी मरम्मत करना, शारीरिक वृद्धि के लिए प्रोटीन जरूरी होता है। इसीलिए देखते हैं कि जो लोग बॉडी बिल्डिंग का के लिए काम करते हैं वो अक्सर उन्हें आप प्रोटीन का पाउडर खाने को खाते हुए देखते होंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमारी बॉडी है उसको नेचुरल प्रोटीन, एक जो व्यक्ति काम करता है, सामान्य काम करता है, उसको भी 50 से 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है, जो कि हम सामान्य डाइट में उतना नहीं ले पाते। और जो लोग मसल्स बिल्डिंग करते हैं उन्हें इससे कहीं ज़्यादा अधिक प्रोटीन की ज़रूरत होती है। इस वजह से वो सामान्य भोजन से उतनी आवश्यकता को पूरी नहीं कर सकते, इस वजह से उन्हें अलग से प्रोटीन लेना पड़ता है। अमीनो एसिड प्रोटीन की संयोजक इकाइयाँ या मोनोमर्स होते हैं। हमने बात किया था कि जो प्रोटीन होता है उसकी सरलतम इकाई क्या होती है? अमीनो एसिड होता है। ठीक है, प्रकृति में लगभग 300 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। ठीक, यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है, 300 प्रकार में से 20 सबसे ज़रूरी होते हैं। 20 अमीनो एसिड बहुत ज़रूरी होते हैं। इस 20 को हम दो भाग में बांट सकते हैं। 20 में से 10 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो एसेंशियल होते हैं और 10 ऐसे होते हैं जो नॉन एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल क्या होते हैं? एसेंशियल वो अमीनो एसिड होते हैं, कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिनका निर्माण हमारा शरीर खुद ही कर लेता है, तो उन्हें हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती। इस वजह से इसको नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। लेकिन 10 ऐसे होते हैं अमीनो एसिड जिन्हें हमें बाहर से लेना पड़ता है, इनका निर्माण हमारा शरीर नहीं कर पाता। इनके नाम क्या हैं जरा सा आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हिस्टिडीन ये एसेंशियल अमीनो एसिड है। हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फेनिलएलानिन, ट्रिप्टोफैन, एक बार यहाँ से पूछा गया है सवाल, वेलिन, ये अनिवार्य अमीनो एसिड है, एसेंशियल अमीनो एसिड है। अर्थात इन्हें हमें बाहर से लेना पड़ता है क्योंकि हमारा शरीर इनका निर्माण नहीं कर पाता। जबकि जो नॉन एसेंशियल हैं, ग्लाइसिन, सेरिन, टायरोसिन, इलानिन, ग्लूटामिक एसिड और प्रोलिन, ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, इनका निर्माण हमारा शरीर खुद कर लेता है। ठीक है, अल्फा कीरेटिन ये भी एक प्रकार का प्रोटीन है जो कहाँ पाया जाता है? सींग, बाल, नाखून, खुर, त्वचा आदि में उपस्थित होता है। ठीक है, तो कीरेटिन क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन है। आगे चलते हैं, दूध एक प्रकार, दूध में क्या होता है? 87% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। दूध को कंप्लीट डाइट भी कहते हैं, हालांकि इसमें विटामिन सी को लेकर के विवाद भी है कि विटामिन सी होता है नहीं होता है। ठीक है, बहुत कम मात्रा होती है विटामिन सी की, तो इसे कंप्लीट डाइट कहा जाता है। सामान्यतः सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? 45 से 46 ग्राम प्रोटीन
सामान्य क्रियाशील महिला जो नॉर्मल काम करती हैं उनके लिए 45 से 46 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए उन्हें, जबकि जो गर्भवती महिला हैं, बच्चे को दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं, उन्हें इसकी ज़्यादा मात्रा चाहिए होती है। कितनी चाहिए होती है? 65 से 70 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो आपका सवाल बनता है एग्ज़ाम में, विटामिन्स और उनके रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग, चलिए देखते हैं। विटामिन ए रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, जेरॉप्थैल्मिया। UPPCS 2017 में पूछा गया था, ठीक है, कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, लेकिन उसने मैच करवाने को दिया था और वहाँ पर लिखा था एंटी जेरॉप्थैल्मिया। ठीक है, एंटी जेरॉप्थैल्मिया, चूँकि विटामिन ए की कमी से जेरॉप्थैल्मिया रोग होता है, रतौंधी को ही जेरॉप्थैल्मिया बोलते हैं, तो विटामिन ए को हम किस नाम से जान सकते हैं? एंटी जेरॉप्थैल्मिया विटामिन के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, विटामिन बी वन, बी वन का रासायनिक नाम है थायमिन, और इसकी कमी से बेरी बेरी ग्रोथ रुक जाती है, ये बीमारियां हो सकती है। विटामिन बी टू, इसे हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ये जो हम बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फाइव, बी सिक्स, सेवन, नाइन, ट्वेल्व ये देख रहे हैं, इन्हें हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, विटामिन बी टू राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? किलोशिस। विटामिन बी थ्री नियासिन, इसको निकोटेनिक एसिड भी बोलते हैं, और विटामिन बी थ्री की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा। विटामिन बी फाइव, इसे हम क्या बोलते हैं? पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं, और विटामिन बी फाइव की कमी से चर्म रोग, ग्रोथ कम हो जाती है, बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, तो आप ध्यान रखिए विटामिन बी फाइव अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। विटामिन बी सिक्स, इसको हम पाइरिडॉक्सिन भी बोलते हैं, और इसकी कमी से रक्त शीर्णता, चर्म रोग, मसल्स में ऐठन आना शुरू हो जाती है। विटामिन बी सेवन बायोटिन, चर्म रोग, बालों का झड़ना, ठीक है, जो बाल झड़ते हैं कई कारणों से झड़ते हैं, डैंड्रफ है, विटामिन बी सेवन की कमी हो गई है। अक्सर विटामिन बी सेवन के लिए कई कैप्सूल आते हैं जिसमें बायोटिन भरा होता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा गूगल पे जाइए, बायोटिन रिच फूड्स ज़रूर देखिए, क्योंकि आज कॉमन डिजीज़ के रूप में बालों का झड़ना ये उभर के सामने आ रहा है, इसको बायोटिन, विटामिन बी सेवन का केमिकल नेम है। विटामिन बी नाइन फॉलिक एसिड, इसकी कमी से रक्त शीर्णता, कुंठित बुद्धि। आप यहाँ पर देखेंगे कि जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वो आपके ब्लड के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की वजह से ही हीमोग्लोबिन की मात्रा शरीर में कम हो जाती है। ठीक है, विटामिन बी ट्वेल्व जो कि सबसे ज़रूरी होता है, इसकी कमी से क्या हो जाता है? परनेसियस एनीमिया हो जाता है, घातक रक्त शीर्णता, अर्थात हीमोग्लोबिन की मात्रा अत्यधिक कम हो जाती है, क्योंकि इसी में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन बी ट्वेल्व, और ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी कमज़ोर कर सकता है, नर्वस सिस्टम में भी समस्या आ सकती है विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से। विटामिन बी सी एस्कॉर्बिक एसिड, इसका रासायनिक नाम, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, इसका रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से सूखा रोग बच्चों में, और बड़ों में कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन ई इसको टोकोफेरॉल, इसका रासायनिक नाम, और इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी, जननांग पेशियां कमज़ोर हो सकती हैं। विटामिन बी के इसका रासायनिक नाम है नेप्थोक्विनोन, और जब आपको किसी भी व्यक्ति में अगर विटामिन के की कमी है तो अगर उसे चोट लग गई तो उसका ब्लड जो बहना है वो रुकेगा नहीं, क्योंकि ब्लड वहाँ पर क्लॉट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो विटामिन बी के क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। आगे चलते हैं। मानव शरीर की कोशिकाएं एसेंशियल फैटी एसिड का संश्लेषण नहीं कर सकती। अब यहाँ पर देखिए एसेंशियल फैटी एसिड क्या है, ये हम आगे देखेंगे डिटेल में, अभी यहाँ पर आप इसको देख लीजिए। एसेंशियल फैटी एसिड का निर्माण संश्लेषण नहीं कर सकती। लिनोलेइक एसिड या तथा अल्फा लिनोलेन अम्ल मानव स्वास्थ्य के लिए एसेंशियल फैटी एसिड है, इनको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तिलहनी फसलों में अधिकतम अल्फा लिनोलेनिक एसिड, और जिसको हम अलसी कहते हैं, अलसी आप जानते होंगे, अलसी के पौधे को ब्लैक कलर का छोटे छोटे दाने होते हैं, अलसी में पाया जाता है, ये जो फैटी एसिड होता है अलसी में बहुत पाया जाता है। और जो लिनोलेनिक एसिड है एक ओमेगा थ्री फैटी एसिड है, ओमेगा थ्री फैटी एसिड आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, ये आपके आइज़ के लिए, आई विज़न के लिए, और आपके नर्वस सिस्टम के लिए ओमेगा थ्री फैटी एसिड आपको खाना चाहिए। अगर आप जरा सा देखिए आपकी डाइट में अगर ओमेगा थ्री फैटी एसिड नहीं है तो आप मेडिकल स्टोर से इसका कैप्सूल भी ले सकते हैं। कैप्सूल कॉड लीवर ऑयल के नाम से आप बोलेंगे
मेडिकल स्टोर पे, तो आपको लगभग उसमें 100 कैप्सूल होता है, आप उसको डेली एक खा सकते हैं, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कि आपकी नज़रों पे कभी चश्मा नहीं लगने देगा और आपके नर्वस सिस्टम इसको भी ठीक रखेगा। ठीक है, ये हमारे शरीर में क्या करता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोकने में सक्षम होता है। अर्थात जब हमारी जो रक्त नलिकाएं हैं उसमें फैट नहीं जमा होगा तो ये हमारे हार्ट को भी ठीक रखेगा। क्लियर। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैट सैचुरेटेड फैट की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। ये क्या होते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, आइए मैं आपको सीधे यहीं ले चलता हूँ। ठीक है, देखिए सैचुरेटेड फैट क्या होता है और अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है। सैचुरेटेड फैट, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये फैट का स्ट्रक्चर है कुछ, सब में आप कार्बन कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हर जगह देख रहे होंगे, कहीं पर भी आप कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं देख रहे हैं। तो जब किसी भी पदार्थ में की संरचना में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो क्या होता है, सैचुरेटेड फैट होता है। अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच कहीं ना कहीं पर एक जगह पर या दो जगह पर या एक से ज़्यादा जगह पर डबल बॉन्ड पाया जाएगा। जब कार्बन कार्बन एक जगह बॉन्ड डबल बॉन्ड पाया जाता है तो इसे हम, पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि अनसैचुरेटेड फैट क्या होते हैं। अनसैचुरेटेड फैट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं पाया जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड फैट। दूसरी बात कि अनसैचुरेटेड फैट दो प्रकार के होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मोनो अनसैचुरेटेड फैट। तो जो पॉली, पॉली का मतलब मेनी, तो जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक बार से एक बॉन्ड से अधिक पाया जाता है, अधिक जगहों पर होता है, तो उसे हम पॉली अनसैचुरेटेड फैट कहेंगे, और जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक ही जगह पर पाया जाता है तो उसे हम मोनो अनसैचुरेटेड फैट कहेंगे। ठीक है, तो ये सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांस फैट का फॉर्मूला। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में जानना है इन चीज़ों को कि जो सैचुरेटेड फैट होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सामान्यतः जो रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड होते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि आपके कमरे पर, आप जहाँ भी हैं घर पे, सैचुरेटेड फैट में कौन कौन सी चीज़ें रखी होंगी, जाकर आप देखिएगा कि उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है। अब ये मत कहिएगा कि टेबल रखा है, बुक्स रखी हैं, ये भी सॉलिड है, नहीं, उसको फैट होना चाहिए। तो फैट का मतलब जैसे बटर हो गया, ठीक है, बटर क्या है, सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, वो एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है, सैचुरेटेड फैट है। अब यहाँ पर देख सकते हैं सोर्सेस क्या हैं सैचुरेटेड फैट के, जैसे कि बीफ है, लैम्ब एंड लैम, सम पोर्क एंड चिकन प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या क्या आते हैं, जैसे आइसक्रीम है, होल मिल्क है, बटर है, ठीक है, चीज़ है, ये चीज़ें आती हैं आपकी सैचुरेटेड फैट में। आगे चलें, अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैट ये रूम टेम्परेचर पे सामान्यतः ये लिक्विड होते हैं। तो लिक्विड में क्या क्या आ गया, जैसे आपके रूम पे तेल रखा हुआ है, फॉर्चून का तेल रखा हुआ है, या जिस भी सरसों का तेल है, वो अनसैचुरेटेड फैट है, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में बना हुआ है। अब यहाँ पर देखें तो दो टाइप के अनसैचुरेटेड फैट होते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब डबल बॉन्ड एक जगह से अधिक जगहों पर होगा कार्बन कार्बन के बीच, तो वो पॉली अनसैचुरेटेड फैट, और एक ही जगह होगा अर्थात एक ही जगह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो वो मोनो अनसैचुरेटेड फैट होगा। आइए देखते हैं जरा सा, मोनो अनसैचुरेटेड फैट, इसका डेफिनेशन मैंने बता दिया। ये जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं ये क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर, ये रिस्क को लो कर देते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ एंड ओवरऑल मोर्टैलिटी। ये हमारे हृदय संबंधी बीमारियों को मोनो अनसैचुरेटेड फैट कम कर देते हैं, अर्थात आपके लिए अनसैचुरेटेड फैट, असंतृप्त वसा खाना जरूरी होता है और ये हमारे शरीर के लिए लाभकारी होता है। ठीक है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट में क्या क्या आता है, जैसे ओलिव ऑयल है, पीनट ऑयल है, नट्स हैं, सीड्स हैं, ये सब आते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स में। पॉली अनसैचुरेटेड फैट ये क्या करते हैं, ये पॉली अनसैचुरेटेड फैट हेल्प विद मसल्स मूवमेंट एंड ब्लड क्लॉटिंग और मसल्स के मूवमेंट में मदद करते हैं। और चूँकि ये जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट है, इसका निर्माण हमारा शरीर नहीं कर पाता, इस वजह से हमें इसे अपने डाइट के माध्यम से लेना पड़ता है। क्लियर।
अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पॉलीअनसैचुरेटेड फैट है इसको दो भागों में और बांट सकते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड। मैंने आपको बताया था कि ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके शरीर के लिए, आपके आई विज़न, नर्वस सिस्टम, इनके लिए ज़रूरी होता है। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड ये बहुत ज़रूरी है। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको कहाँ से मिल सकता है? जैसे कि फ़िश है, जो लोग नॉन वेज हैं वो फिश, जैसे कि ट्यूना, सैल्मन, ट्रॉट, ये वो मछलियाँ हैं जिनके लीवर में या फिर पूरे शरीर में ही फैटी एसिड पाया जाता है। जो मैंने आपको ऑयल बताया है ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए, कॉड लीवर ऑयल, वो कॉड मछली के लीवर से बनाया जाता है और उसमें फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत होता है। और देखें कहां कहां से हमको पॉली अनसैचुरेटेड फैट मिल सकता है। ग्राउंड फ्लैक्स एंड फ्लैक्सीड ऑयल, सोयाबीन्स, वॉलनट, सनफ्लावर सीड, चिया सीड, तो ये वो पदार्थ हैं जिनसे हमें पॉली अनसैचुरेटेड फैट मिलता है। आगे चलते हैं ट्रांस फैट के बारे में जानते हैं। ट्रांस फैट क्या होता है? ट्रांस फैट ये भी हमारे लिए ज़रूरी होता है, लेकिन इसकी अत्यधिक मात्रा हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा देती है। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है। अति सर्वत्र वर्जयित, किसी भी चीज़ की अधिकता खतरनाक होती है, चाहे वो खाना हो या फिर कोई भी कार्य हो। तो ट्रांस फैट भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन इसकी अत्यधिक मात्रा क्या करती है? कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा देती है। और जब कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बढ़ता है तो ये क्या करता है? हार्ट डिजीज़ को पैदा करता है। कैसे, वो हम देख रहे हैं। देखिए ट्रांस फैट क्या करता है? एलडीएल और एचडीएल, एलडीएल के स्तर को बढ़ा देता है जबकि एचडीएल के स्तर को कम कर देता है। अब ये एलडीएल और एचडीएल क्या है ये जानने से पहले आइए समझते हैं कुछ बातें। लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड इज़ ए कॉमन टर्म यूज्ड फॉर फैट, ऑयल, कोलेस्ट्रॉल, लिपोप्रोटीन, वैक्सेस। लिपिड को समझिए पहले, लिपिड क्या होता है? लिपिड एक कॉमन वर्ड है जिसे हम फैट के लिए, ऑयल के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, लिपोप्रोटीन के लिए, वैक्स के लिए यूज़ करते हैं। लिपोप्रोटीन क्या होता है? लिपिड और प्रोटीन अर्थात इसमें प्रोटीन होगा और इनमें से कोई चीज़ हो सकती है, फैट, ऑयल, कोलेस्ट्रॉल, वैक्स, कुछ भी हो सकता है। लिपोप्रोटीन लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बनता है। अब आगे देखें यहाँ पर जो लिपोप्रोटीन है, लिपोप्रोटीन का काम क्या होता है? ये कोलेस्ट्रॉल के परिवहन में मदद करता है। अब लिपोप्रोटीन का जो रेशियो है लिपिड और प्रोटीन का, क्योंकि लिपोप्रोटीन में क्या होता है? लिपिड और प्रोटीन, तो इस आधार पे, इन रेशियो के आधार पे लिपोप्रोटीन को हम चार भागों में बांट सकते हैं। VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, VHDL वेरी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब यहाँ पर समझिएगा, ये जो VLDL और LDL है, VLDL का मतलब वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसमें क्या होता है? लिपिड की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है और प्रोटीन की मात्रा कम होती है। और जो HDL और VHDL है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और वेरी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसमें लिपिड की मात्रा कम होती है और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो आप समझिएगा यहाँ पर लिपिड का क्या मतलब है? कोलेस्ट्रॉल। लिपिड का क्या मतलब है? कोलेस्ट्रॉल। जब आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होगा तो क्या ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है? जी नहीं, ये हमारी सेहत के लिए ख़राब है। इसीलिए VLDL और LDL को क्या कहा जाता है? बैड कोलेस्ट्रॉल। क्या कहा जाता है? बैड, खराब कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। जबकि HDL और VHDL को क्या कहा जाता है? गुड कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि हमारे शरीर के लिए ये अच्छा होता है, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या होता है? कम होता है। ठीक है, देखिए LDL को हम क्या कहते हैं? बैड कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि ये क्या करता है? हमारी आर्टरीज़ में कोलेस्ट्रॉल को जमा कर देता है और हमारी आर्टरीज़ क्या होती हैं? ब्लॉक हो जाती हैं। और जब आर्टरीज़ ब्लॉक हो जाएंगी तब क्या होगा? ये हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक को उत्पन्न कर सकता है। क्योंकि आपको पता है, आगे पढ़ेंगे डिटेल में, हार्ट जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है, शुद्ध ब्लड को पंप करता है, और हार्ट को भी तो ब्लड की ज़रूरत होती है। पूरे शरीर से रक्त ब्लड में हार्ट में पहुंचता है, फिर वो उसको पंप करता है पूरे शरीर में वापस। जब कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा आर्टरीज में तो क्या होगा? हार्ट को ठीक ढंग से ब्लड की सप्लाई नहीं होगी और कहीं किसी
आर्टरी में अगर कोलेस्ट्रॉल जमा है तो उस आर्टरी में ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो मार्ग हो गया ये सकरा हो गया और ब्लड की मात्रा उतनी ही आ रही है। तो इधर वाली जो वेन आर्टरीज आप देख रहे हैं, इन आर्टरीज में ब्लड की मात्रा ज़्यादा होगी, तो इस वजह से हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, यहाँ पर ज़्यादा उसे प्रेशर करना पड़ेगा ताकि ब्लड फ्लो आगे की ओर जाए। तो इससे हार्ट को नुकसान पहुँचता है और हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक है, तो जो LDL होता है वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होता है और HDL शरीर के लिए अच्छा होता है। ठीक है, इसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपके रूम पर, घर पे अगर आप तेल खरीदते होंगे तो दो चीज़ें मैंने ऐड कर दी। अब आप इनमें देखिए क्वांटिटी क्या क्या है और न्यूट्रिएंट्स क्या क्या शामिल हैं, जैसे फैट, कोलेस्ट्रॉल, ट्रांस फैट आपके लिए नुकसानदेह ही होता है। ठीक है, अगर आप फास्ट फूड बहुत खाते हैं तो उसमें ट्रांस फैट बहुत होता है। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि फास्ट फूड ना खाएं, या अगर खा रहे हैं तो बहुत ही कम, कभी कभी रेयर। ठीक है, ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैटी एसिड, और यहाँ पर देखें ये है सोयाबीन ऑयल, एनर्जी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट फैट, सैचुरेटेड फैटी एसिड, ट्रांस फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट, मोनो अनसैचुरेटेड फैट। अब आप जो भी चीज़ खरीदें, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चीज़ आप मार्केट से ख़रीदें उसकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू ज़रूर देखें और उसमें देखें कि क्या जो चीज़ें मैंने पढ़ा है क्या उसका कोई रोल है, पढ़ने का क्या मतलब है अगर उसको हम अपने वास्तविक जीवन में उतार ना पाएँ। ठीक है, तो इन चीज़ों को अभी आपने जो पढ़ा उसे आप जो भी चीज़ खरीदें ज़रूर देखें। चलिए आगे चलते हैं, अब हम चलेंगे क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पता है हमें, प्रोटीन। क्यों? क्योंकि प्रोटीन में क्या होता है, पनीर में प्रोटीन होता है और प्रोटीन क्या करता है, ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद हैं जिनमें होते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स का क्या मतलब होता है, न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल्स, ये दो वर्ड से मिलकर के बना है न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल। तो न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल में क्या क्या आएगा, पोषक और औषधि प्रभाव। ठीक है, न्यूट्रिशन का मतलब पोषक और फार्मास्यूटिकल का मतलब हो गया औषधि प्रभाव। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, फंक ने निम्न में से किसका आविष्कार किया था? तो आप जानते हैं किसका आविष्कार किया था, विटामिन्स का। ठीक, आगे चलें, विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स कार्बनिक यौगिक होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। कौन निम्न में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो अभी हमने देखा था विटामिन्स को सहायक आहार कारक कहा जाता है। आगे चलें, निम्न विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? अब आप बताइए शरीर में कौन भंडारित नहीं होता, तो बताइए कि शरीर में कौन भंडारित नहीं होगा, अर्थात समझिएगा, एक तो हमने देखा था कीड़ा क्या होता है, जल में नहीं घुलता। अब आप मुझे बताइए कीड़ा अगर जल में नहीं घुलता तो कहाँ घुलेगा, फैट में। जो चीज़ हमारे फैट में घुल जाएगी क्या वो शरीर से बाहर जा पाएगी? जी नहीं, जो चीज़ फैट में घुल गई है वो शरीर से बाहर नहीं जा पाएगी। तो ऐसी चीज़ बताइए, ऐसे विटामिन्स बताइए जो यूरिन में, जल में घुल जाएँ और वो मूत्र के द्वारा बाहर चले जाएँ। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, बी और सी, क्योंकि ये विटामिन्स ऐसे हैं कि अगर आपके शरीर में ज़्यादा मात्रा में बी और सी हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जल में घुल जाते हैं, अर्थात हमने जो पानी पिया उसमें ये घुल जाएंगे और ये यूरिन के थ्रू हमारे शरीर से पास आउट हो जाते हैं। ठीक है, पास कर जाते हैं। तो यहाँ पर जो विटामिन सी है वो हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता है। आगे चलें, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी हो जाती है? तो हमने देखा था विटामिन के की कमी से। यहाँ पर आपको क्या बताना है, मैच कौन सा सही सुमेलित नहीं है, UPPCS 2017 का क्वेश्चन है। विटामिन B12 एंटी एनीमिया प्रति अरक्तता कारक, जी हाँ, विटामिन B12 की कमी से आपको घातक एनीमिया हो सकता है, रक्त छीणता हो सकती है। विटामिन सी एंटी स्कर्वी, बिल्कुल सही है, क्योंकि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, तो विटामिन सी को हम क्या बोल सकते हैं, एंटी स्कर्वी। विटामिन डी बंधता रोधी कारक, जी नहीं, गलत है, विटामिन ई की कमी से होता है बंधता रोधी कारक, अर्थात जनन क्षमता में कमी। विटामिन के प्रति रक्त स्रावी कारक, अर्थात आपके जो रक्त स्राव है उसको रोकने का काम कौन करता है, विटामिन के करता है। तो यहाँ पर विटामिन जो ऑप्शन सी है ये मैच नहीं कर रहा, यहाँ पर होना चाहिए विटामिन ई,
बंधितारोधी कारक। आगे चले, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? विटामिन डी की कमी से यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकेट्स भी होता है और ऑस्टियोपोरोसिस दोनों रोग होता है। तो यहाँ पर आप याद रखिए दोनों। विटामिन डी में निम्न में से क्या पाया जाता है? तो विटामिन डी में कैल्सिफेरॉल पाया जाता है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है कोबाल्ट विटामिन B12 में होता है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, BPSC में भी पूछा गया। B12 में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो कोबाल्ट। प्रोटीन और फैट दोनों की प्रचुरता होती है। कौन सा चीज़ है जिसमें प्रोटीन और फैट दोनों प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? मूंगफली। हालांकि प्रोटीन से ज़्यादा इसमें फैट ही पाया जाता है, हालांकि प्रोटीन भी इनफ है। आगे चलें, बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे हम केराटिन कहते हैं। मानव के बाल, सेम क्वेश्चन है, केराटिन। कौन सा तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान होता है? कौन सा तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान होता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, चारों तत्व हैं जो प्रोटीन में विद्यमान होते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने क्वेश्चन किया। मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।